हेलो दोस्तों, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा 2 है वो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ए बेसिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. So find the inner surface area of cuboid. ठीक है? तो इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक vessel, vessel means होता है कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है? बर्तन means कोई भी हमारा जो ऊपर का vessel है, ठीक है? ये हमारा cuboid. तो इज द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि इसमें एक जो हमारा है तो हॉलो हेमिस्फीयर है। क्या है हमारा? हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर मींस हमारा है जो एक हेमिस्फीयर है, तो इसमें जो यहाँ का है ये हमको मालूम, इसका टॉप नहीं है, ठीक है, ये हमारा खाली है, ठीक है, ऐसे भी है, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर मतलब हमारा जो माउंटेड, माउंटेड मतलब एक पर्वत जैसे, मतलब इसके जो हेमिस्फीयर है इसी के ऊपर हमारा एक हॉलो सिलेंडर है। क्या है? हॉलो सिलेंडर, इसका भी टॉप नहीं है, ओके। इसके बाद तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ये कितना था? 14 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है? तो एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब ये जो टोटल है यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है ये कितना दिया हुआ है हमारा? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से देखें हम 13 सेंटीमीटर से, अगर हम सिलेंडर का अगर हम हाइट निकालें तो इसकी जो हमें हाइट यहां से यहां तक की मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी? हमें 13 में 7 माइनस कर दो तो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दिया क्या है। तो क्वेश्चन में सॉल्व कि जो हम अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं कि जो हमारे हमारा जो हेमिस्फीयर था इसकी डायमीटर कितना दिया हुआ था हमारा? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां से हम निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और सिलेंडर भी कह सकते हैं, सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू है। तो हमारी रेडियस आपको पता है कि जो हमारी रेडियस होती है, तो रेडियस हमारी होती है डायमीटर का हाफ होती है। तो डायमीटर हमारा 14 है, इसका हाफ हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हमें कितनी दी हुई है? हाइट हमारी है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इतना गिवन है, हमारा क्वेश्चन में ही आल्सो दिया गया है, ठीक है, गिवन है। अब इसके बाद हम जो निकालने वाले हैं, यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हैं इनर सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, मतलब ये जो हमारा पूरा बर्तन है इसका हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, तो इसको फार्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, हमें पूरा वेसल का चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ये सिलेंडर है इसका फाइंड करेंगे, और प्लस इसको हम नीचे का जो हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो सी एस ए, ठीक है, तो सी एस ए, तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर जो है, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, साथ में हम सी एस ए निकाल लेते हैं ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर। तो अब यहाँ पे हमें फार्मूला को पता होना चाहिए,
फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका सिलेंडर का फार्मूला होता है वो 2πRh होता है, प्लस जो आपका हेमिस्फीयर का जो आपका होता है उस वो होता है 2πR² होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 2πR है, 2πR है, तो 2πR कॉमन ले लेते हैं, जो अंदर बच रहा है हमारा एच बच रहा है, यहाँ से 2R है, यहाँ 1R था तो 1R कॉमन हो गया, 1R हमारा अंदर बच रहा है, 2 है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है, अंदर जो हमारा एच है एच हमारा 6 है और से आर हमारा 7 है हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2 × 7 7 कैंसिल हो जाता है, तो 22 × 13 आता है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 42 44 22 2 44 × 13, तो ये हमारा कितना आ रहा है 13 4 52 और प्लस 5 तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है वो कितना आ रहा है 572, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया हूँ, ठीक है, जरूर दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए नहीं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।